हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है यार आप सब? क्या हो, बहुत ज़्यादा मज़े में होगे। और आज की वीडियो में सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा इस वाले चैनल को और व्लॉग वाले चैनल को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। और आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गिव अवे करो गिव अवे करो, तो दो गिव अवे मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज। पहले का रिजल्ट आएगा 15 तारीख को मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, दूसरे का रिजल्ट भी आएगा दिवाली वाले दिन। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज यहाँ पर मैं अनाउंस कर रहा हूँ 5 हेडफोन्स, तो 5 यहाँ पे हेडफोन्स का गिव अवे आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जिसका जो रिजल्ट है 15 तारीख को आएगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। एक बार फिर से बता देता हूँ, और यहाँ पे लाइव रहूंगा मैं जिस टाइम पे हम लोग पिक करेंगे अपने विनर्स। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं अपने मनपसंद का कोई ढूंढ रहा हूँ। लाइव रहूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर और आपके सामने ही 5 विनर मैं पिक करूंगा। और यहाँ पे गिव अवे के अंदर एंटर करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। 2 यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम आईडीज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इनका लिंक। आपको बस ये 2 इंस्टाग्राम आईडीज करनी है फॉलो। और यहाँ पे कौन सी कंपनी के हेडफोन्स का मैं कर रहा हूँ गिव अवे, व्हील आउट कंपनी ने की है ये वाली वीडियो स्पॉन्सर, और उन्हीं के 5 वायर्ड हेडफोन्स अभी मैं कर रहा हूँ गिव अवे, जिनका जो रिजल्ट है वो आएगा 15 तारीख को। और उसके बाद दिवाली वाले दिन मैं करूंगा वायरलेस हेडफोन्स का गिव अवे। क्या होगी क्वांटिटी, 3, 4, 5 या 6, वो आपको बताऊंगा जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो और जीतना चाहते हो फ्री हेडफोन्स, तो आपको यहाँ पे करना है क्या, 2 इंस्टाग्राम आईडीज फॉलो करनी है। पहली है मेरी और दूसरी है व्हील आउट कंपनी की। दोनों के जो लिंक है नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और अब स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। ये वाली जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर है और बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी हमेशा से रही है, वो है एयरपॉड्स। और एयरपॉड्स का 3rd जनरेशन अब आ रहा है। और जिस दिन से मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है नए एयरपॉड की सीरीज़ का, तब से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। बट तब हमें ये नहीं पता था कि कब लॉन्च होंगे, क्या फीचर्स होंगे, कैसे दिखेंगे। बट अब वो सारी चीज़ें हमें ऑलमोस्ट पता चल गई हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बात। जो यहाँ पे डेवलपर रैम्बो है macrumors.com के, उनको यहाँ पे एक आइकन मिला iOS 13.2 के फर्स्ट बेटा वर्जन में, जो था एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स वाले फोल्डर के अंदर, और वो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और इससे पहले यहाँ पे ऑडियो 52 एक वेबसाइट है जिसने आज से पहले कोई भी लीक्स वगैरह नहीं दिखाए थे, बट उन्होंने एक फोटो जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली थी और काफी लोगों को लग रहा था कोई नॉक ऑफ है, फालतू की चीज है, ऐसा नहीं हो सकता एयरपॉड। तो ऑनेस्टली मुझे भी लगा था कि यार ये डिजाइन तो नहीं हो सकता एयरपॉड्स का, ऐसे तो नहीं दिखते होंगे। बट जब ये एक्सेसिबिलिटी फोल्डर के अंदर हमें आइकन मिले तो कंफर्म हो गया कि यही डिजाइन है नए वाले एयरपॉड्स का। और यहाँ पे ये जो नए वाले एयरपॉड्स हैं इनका कोड नेम है B298। इसी कोड नेम के अंडर ये वाले अभी बन रहे हैं। एप्पल जब अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसको पहले नाम नहीं दिया जाता, पहले उसको एक कोड नंबर मिलता है, और नए वाले एयरपॉड्स का जो कोड नंबर है वो है B298। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि एयरपॉड्स प्रो नहीं लॉन्च होने वाले हैं, तो amazon.com के ऊपर प्रोडक्ट अभी नहीं आया बट सिलिकॉन केस एयरपॉड्स प्रो के लिए मिलना शुरू हो गया है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो लिंक। मैं भी सुबह हैरान था यार जब मैंने ये देखा, मैं कहा यार अभी तो एयरपॉड्स लॉन्च भी नहीं हुए और सिलिकॉन केस जो है पहले से ही वेबसाइट के ऊपर मिल रहा है और आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर यही देख रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है यार, amazon.com के ऊपर पहले ही मिलने लग गया है। तो डिज़ाइन तो डेफिनेटली कंफर्म है कि यही डिज़ाइन होने वाला है एयरपॉड्स 3 का। और यहाँ पे अगर मैं नेम की बात करूँ तो जो अभी फेब के अंदर लॉन्च हुए थे एयरपॉड्स 2, हम लोग उसको एयरपॉड्स 2 कहते हैं, बट एप्पल ने कभी भी अपनी वेबसाइट पर भी मैंशन नहीं किया कि ये एयरपॉड्स 2 हैं, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने एयरपॉड्स कहा है। और अभी जो नए एयरपॉड्स आने वाले हैं ये ऑब्वियसली एयरपॉड जो अभी चल रहे हैं $200 वाले, उनसे महंगे होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। और मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस होगा वो होगा लगभग 249 से $299 के बीच में। तो अगर इंडिया की बात करूँ तो 25,000 से 35,000 के बीच में कहीं पर भी ये वाले हेडफोन का प्राइस हो सकता है। मुझे पता है महंगा है बट क्योंकि एयरपॉड्स हैं तो बहुत ज़्यादा बिकेंगे, एयरपॉड 2 भी बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और ये वाले जिस दिन आएंगे बहुत ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि इनमें बहुत ही एडवांस फीचर होने वाले हैं। और अगर आप मेरे से पूछोगे क्या नाम हो सकता है, तो मैं 99% श्योर हूं कि एयरपॉड्स प्रो ही होने वाला है नाम, क्योंकि अगर आप पूरी सीरीज देखोगे एप्पल की तो एप्पल ने यहां पे जो भी इनके हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रो नेमिंग दे दिया, चाहे वो आईफोन भी हो नए वाले, तो प्रो मेरे हिसाब से होगा नाम जो नए हेडफोन्स आएंगे, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है तो एयरपॉड्स प्रो ही बनता है इनका नाम। अब अगर मैं सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, ये कुछ रेंडर्स हैं जो बेंजी गैस्किन ने यहां पे बनाए हैं और काफी एक्यूरेट यहाँ पे आपको रेंडर्स दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें लुक मिल रहा है। कुछ इसी तरीके का थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। और अब यहाँ पे जो आपके एयरपॉड्स हैं यहाँ पे आपको पहली बार मिलेंगे पर्सनलाइज एयर टिप्स, रबर एयर टिप्स हैं यहाँ पे, ताकि जो भी आपके एयर कनाल का साइज हो वहाँ पे वो एयर टिप्स फिट आ जाए। अभी तक जो एयरपॉड्स आते थे
उनका वही फंडा था वन साइज फिट्स ऑल वाला, और जो कि मुझे कभी भी फिट नहीं आया। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, चाहे एयरपॉड वन हो चाहे हो एयरपॉड टू, मेरे कानों में कभी फिट नहीं आया। मैं हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एयरपॉड्स यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और जब भी मैंने एयरपॉड्स की वीडियो बनाई है तो जो एक सजेशन मुझे मिला है कि तो अपने कान चेंज करवा ले, बट मैंने अभी तक करवाए नहीं है, मैं वेट कर रहा था प्रो का। तो प्रो होने वाले हैं अब लॉन्च, और यहाँ पे आपको मिलेंगे अब रबड़ वाले ईयर टिप्स, और ये हेल्प करेंगे एक फीचर में जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो है यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो अभी वाला डिज़ाइन है वो परफेक्ट नहीं है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके ईयर कनाल को सील करे, और तब जाके ही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अच्छे से काम कर सकती है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाले जो हेडफोन्स है बीट्स के, पावर बीट्स प्रो, अगर मैं आपको इनका डिजाइन भी दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको ईयर टिप मिल जाएगी, बट इसके अंदर भी आपको ANC नहीं मिलता है। बट मैं इनको डेली यूज कर रहा हूं, और उसके अलावा जो दूसरे हेडफोन्स हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं वो है सनहाइजर के मोमेंटम ट्रू वायरलेस। ये दोनों जो हेडफोन्स हैं बहुत ही कमाल के हैं, बट इनमें से किसी में भी आपको ANC वाला फीचर नहीं मिलता है। अब अगर मैं बात करूं किसमें मिलता है ANC, तो ANC हमें मिलता है OV प्रो में। ये वाले जो हेडफोन्स हैं इनका मैंने रिव्यू किया था फेब में, और तब से लेके आज तक मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं ना, बट क्योंकि ये ब्रांड एक ऐसा है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो लोगों को ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। बट तो पर्सनली मैं इनको पिछले 6 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बहुत ही कमाल के हेडफोन्स हैं। ANC से लेके सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, बट अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नए वाले एयरपॉड्स की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको ईयर टिप्स मिल जाएंगे, और ये ईयर टिप्स ज़रूरी होते हैं आपको ANC के लिए, तभी जब आपके यहाँ पे सील्ड रहेगा पूरा, तभी आपको ANC वाला फीचर मिल पाएगा। और ANC अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ एक प्रेस करना होगा, और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसे ही ऑन होगा तो आसपास का जो भी साउंड होगा उसको कर देगा ब्लॉक। आप अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको सिर्फ म्यूजिक ही सुनेगा, बाहर की बिल्कुल भी नॉइस आपको नहीं आने वाली है। और यहाँ पे आपको एम्बियंट मोड भी मिलेगा जो अभी तक एयरपॉड्स 2 में नहीं है, जिसकी मदद से जब आप हेडफोन्स में गाने सुन रहे हो और कोई आपसे मान लीजिए बात कर रहा है, या आप एयरपोर्ट पे हो, ट्रेन स्टेशन पे हो, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, आप सुनना चाहते हो गाने सुनते सुनते, तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो एम्बियंट मोड। और उसके अलावा दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं। पहला है कलर, क्योंकि अभी तक जो एयरपॉड्स आते हैं आपने देखे हैं कि हमेशा वाइट कलर में ही आए हैं, बट यहाँ पे पिछले साल भी और अभी भी बहुत ज़्यादा रेंडर्स बने हैं, बहुत ज़्यादा लीक्स हैं, और सब बोल रहे हैं कि नया ब्लैक कलर आने वाला है। और मुझे भी लग रहा है कि स्पेस ग्रे जो कलर है, ब्लैक ये लोग नहीं निकालते हैं, स्पेस ग्रे ही निकालते हैं महंगे प्रोडक्ट्स में, तो स्पेस ग्रे मैट वाला या ग्लॉसी कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, तो नया कलर आ सकता है एयरपॉड्स में। और उसके अलावा यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग भी मिलेगी। अभी तक आपको ऑफिशियली वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग जो है वो एयरपॉड्स में नहीं मिलती है, बट काफ़ी सारे लोगों ने सबमर्ज किया है पानी के अंदर अपने एयरपॉड्स को और कुछ भी नहीं हुआ है, बट ऑफिशियल एप्पल की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि वाटर रेजिस्टेंट हैं आपके एयरपॉड्स, बट ये वाले जो आएंगे ये ऑफिशियली सर्टिफाइड होंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर है जो कि होगा हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ पे जो जेब्रा कंपनी के एलीट स्पोर्ट हेडफोन्स आते हैं जिनका मैंने किया था रिव्यू पिछले साल, उसी की तरह नए वाले एयरपॉड्स में आपको मिल सकता है हार्ट बीट सेंसर। तो यानी कि वॉच आपके पास है, और अगर आपके पास वॉच नहीं भी है, हार्ट बीट को सेंस करना चाहते हो, तो बेटर हेल्थ फीचर्स आपको मिलेंगे आपके नए वाले एयरपॉड्स प्रो में। तो इतनी सारी चीज़ें डालेंगे तो प्राइस तो ऊपर जाना बनता है जैसे मैंने पहले बताया था, अब प्रो नेमिंग तो आएगी अगर ये वाले फीचर्स आएंगे। तब बात कर लेते हैं लॉन्च डेट की कि लॉन्च कब होंगे। तो एप्पल अपना एक इवेंट रखता है अक्टूबर एंड में, और अभी जो रूमर्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि 29th October को होगा इनका इवेंट, जहां पे ये लोग लॉन्च करने वाले हैं नया मैकबुक प्रो, उसके अलावा एप्पल टैग, नया एप्पल टीवी और 3 लेंस वाला आईपैड प्रो। और उसी इवेंट में सबका यही मानना है कि लॉन्च होने वाले हैं नए एयरपॉड्स प्रो भी। और यहाँ पे अभी तक जितने भी लीक्स हमने देखे हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, उनके हिसाब से हॉलीडे सीजन से पहले पहले नए वाले एयरपॉड्स प्रो को किया जाएगा लॉन्च, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं हॉलीडे सीजन के टाइम पे ही। तो मेरे हिसाब से तो नवंबर में हो जाने चाहिए लॉन्च, बट पिछले साल इन्होंने लॉन्च किए थे फेब के अंदर, कोई इवेंट नहीं था, एकदम से इन्होंने एयरपॉड्स ड्रॉप कर दिए वेबसाइट के ऊपर, और अगर आप वेबसाइट पे जा रहे थे तो ही आपको पता चल रहा था कि नए एयरपॉड्स आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर में लॉन्च होते हैं या लॉन्च होंगे नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। अभी तक दो ही डेट्स आ रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं फेब में लॉन्च होंगे, बट फेब में मुझे नहीं लगता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट होगा एयरपॉड एप्पल के लिए। तो मेरे हिसाब से या तो मार्च में होंगे क्योंकि मार्च में होता है इनका एक इवेंट, या होंगे अक्टूबर में। तो डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट अक्टूबर इवेंट या मार्च वाला इवेंट मेरे हिसाब से इसी टाइम पे ये लोग करेंगे लॉन्च नए वाले एयरपॉड्स प्रो को। और ये थी मेरी वीडियो एयरपॉड्स प्रो के बारे में, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये वाली वीडियो। कल लेके आ रहा हूँ मैं एक और वीडियो iPhone SE 2
के ऊपर। और आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और गिव अवे में अगर एंटर करना चाहते हो तो आपको फॉलो करनी है दो इंस्टाग्राम आईडीज, आईडीज के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।